लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद ही प्रत्याशी लगातार पहुंच रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में जनता से संवाद के लिए। बता दें कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होना है। उत्तर विधानसभा से आम आदमी पार्टी से बनाए गए प्रत्याशी मोहम्मद सऊद को जनता का लगातार समर्थन मिल रहा है। उत्तर विधानसभा के अली अखाड़े के लोगों द्वारा एक कव्वाली का आयोजन किया गया, जिसमें मशहूर कव्वाल मुकर्रम वारसी को बुलाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के नवनियुक्त प्रत्याशी मोहम्मद सऊद को बुलाकर लोगों ने उनका सम्मान किया और उन्हें अपनी दुआओं से नवाजा। बता दें कि उत्तर विधानसभा पर 30 साल से कांग्रेस का कब्जा है। और ये सीट बहुत चर्चा में है क्योंकि यहां से बीजेपी द्वारा भोपाल के पूर्व मेयर को मैदान में उतारा है। वहीं आम आदमी पार्टी ने मोहम्मद सऊद पर अपना भरोसा जताया है, तो कांग्रेस अभी तक अपना कैंडिडेट घोषित नहीं कर पाई है। वहीं लोगों में मोहम्मद सऊद को लेकर काफी खुशी नजर आ रही है। लगातार मोहम्मद सऊद लोगों से मिल रहे हैं, उनके बीच जा रहे हैं और लोग उन्हें जीत का भरोसा भी दिला रहे हैं। इसी को लेकर अली अखाड़ा बाग मुंशी हुसैन खां द्वारा उनका सम्मान किया गया। सऊद भाई का सम्मान कर रहा है हमारे अली अखाड़े के सभी जिम्मेदार, तालियां बजाकर जोरदार स्वागत करें सऊद भाई का। इसके बाद हमारे साथी मोहसिन भाई का सम्मान करेंगे, मोहसिन भाई का स्वागत करेंगे। क्या बड़ी बड़ा करवाए? बड़ी बड़ा, हाँ हाँ बिल्कुल। भैया राम ने जिला उपाध्यक्ष हूँ। आज हमने अली अखाड़े का प्रोग्राम रखा था, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे उत्तर विधानसभा के प्रत्याशी मोहम्मद सऊद साहब को बुलाया था, जिनके लिए पब्लिक का जमावड़ा जमा रहा और उनको बहुत समर्थन प्राप्त हुआ है। हम ये चाहते हैं कि जैसा जमावड़ा अभी यहाँ जमा हुआ था, वैसे ही 17 तारीख को वोटिंग करके हमें जो है जीत का परचम लहराना। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।